वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। भारतीय रेलवे अपनी सभी ट्रेनों को अपग्रेड करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके अनुसार मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की योजना जोरों पर है। खबर है कि रेल मंत्रालय कुछ हाई स्पीड ट्रेनों में स्लीपर कोच हटाने की योजना पर विचार कर रहा है। मतलब इन तेज रफ्तार ट्रेनों में नॉन एसी कोच यानी कि स्लीपर और जनरल कोच नहीं होंगे। इन ट्रेनों में सिर्फ एसी बोगियां ही रहेंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम आदमी से दूर हो रही है रेल? आखिर क्यों लिया गया हाई स्पीड ट्रेनों से स्लीपर कोच हटाने का फैसला? तो आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्लीपर कोच का अस्तित्व हर किस्म के ट्रेन में खत्म हो जाना चाहिए, मगर ये जो सोच है ये सोच यात्रियों को और अधिक सुविधा देने वाली सोच के तहत है। मगर अभी जो सरकार काम कर रही है वो ये है कि लग्जरी ट्रेन में स्लीपर्स को हटा देना, बाकी ट्रेन्स में स्लीपर्स को रखना, ये उस सोच का हिस्सा नहीं है कि अमानवीय यात्रा से लोगों को बचाया जाए। ये इस नई सोच का हिस्सा है जिसमें कि गरीबों को, गरीब तबके के लोगों को ट्रेन में सफर करने से रोका जाए। सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। दरअसल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के 130 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार से चलने पर नॉन एसी कोच तकनीकी समस्याएं पैदा करती हैं। इसलिए इस तरह की सभी ट्रेनों से स्लीपर कोच को खत्म करने का प्लान रेलवे ने बनाया है। लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में फिलहाल 83 बर्थ वाली एसी कोच डिजाइन की जा रही है। इस वर्ष इस तरह के 100 कोच बनाने की योजना है और अगले वर्ष 200 कोच बनाए जाएंगे। यानी कि आने वाले समय में यात्रा और ज्यादा आरामदायक और कम समय लेने वाली होगी। अच्छी बात यह है कि इसके बदले में किराया भी सामान्य एसी कोच के मुकाबले कम ही रखने का भारतीय रेलवे ने प्लान किया है। मैं तो शुरू से ही कहता चला आया कि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार है। जब हाई स्पीड ट्रेन से स्लीपर कोचेज हटा दिए जाएंगे और सब में एसी लगा दिए जाएंगे, फिर आम इंसान कहाँ जाएगा? क्योंकि उसके समय की कोई कीमत नहीं है। यदि वो तेज़ी में पहुँचना चाहे तो फिर उसके लिए वही सिस्टम है, पैसे आपको देने होंगे। ये दोहन करने का एक तरीका है, नायाब तरीका निकाला है सरकार ने। हमें याद है कि शुरुआती के दौर में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हवाई चप्पल वाले भी प्लेन में उड़ा करेंगे। साहब, हमने तो नहीं देखा कि हवाई चप्पल वाले प्लेन में उड़ा के। हालांकि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अब नॉन एसी कोच होंगे ही नहीं। असल में नॉन एसी कोच वाली ट्रेन की रफ्तार एसी कोच वाली ट्रेनों के मुकाबले कम होगी। जानकारी के मुताबिक एसी ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएंगी। यह सारा काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, साथ ही नए अनुभवों से सबक लेते हुए आगे की योजना भी बनाई जाएगी। नए एसी कोच का प्रोटोटाइप रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में अगले कुछ हफ्तों में तैयार हो जाएगा। स्लीपर कोच की 72 सीटों के मुकाबले नए एसी कोच में 83 सीटें होंगी। वहीं सेंट्रल रेलवे के मुताबिक 9 अक्टूबर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नागपुर, पुणे, गोंदिया और सोलापुर के बीच 10 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाया जाएगा। इन ट्रेनों में जनरल डिब्बे नहीं होंगे, बल्कि ये पूर्ण रूप से स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें होंगी जिसमें बिना कंफर्म टिकट के यात्रा की इजाजत नहीं होगी। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे भारतीय रेलवे कुछ हाई स्पीड ट्रेनों से जनरल और स्लीपर कोचों को हटाने की तैयारियों में जुटा है। इस मसले पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इस खबर से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।